गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 36 मासूमों की मौत के बाद हड़कंप मचा है। जिस समय की यह घटना है उसी दौरान देवरिया जिले के 3 मासूम का इलाज चल रहा था, जिनमें एक 8 वर्ष की मासूम प्रतिज्ञा की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी 2 का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के भाटपार रानी तहसील के ओभरी पांडे गांव के निवासी अमित पांडे की 8 वर्षीय बेटी प्रतिज्ञा का इलाज बीते 4 दिनों से मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग ब्लड की चले गए, ब्लड की उसके नहीं कैसे ब्लड क्या करना, उसके बाद फिर कुछ नहीं आया कि आपकी बच्ची बची नहीं, और फिर बाद में पता चला कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। सगरीब सब बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है, सब इतने आईसीयू के जितने बच्चे थे सब धीरे धीरे मरने लगे जी। उसके बाद क्या मतलब उसका डेड बॉडी क्या हुआ? उसके डेड बॉडी फिर हम देश को दिया गया डेड सर्टिफिकेट बनाकर। अच्छा, आपको दिया नहीं गया? एम्बुलेंस नहीं दिया, एम्बुलेंस कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग फिर बाहर जाकर एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस लाया, उसके बाद हम लोग वहाँ से आए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं इसकी जांच करें, इसके जिम्मेदार कौन है, क्यों ऐसा कर हुआ। आखिर ऐसे आईसीयू का ये मेन ये होता है कि वहाँ ऑक्सीजन अगर आईसीयू में ना रहे तो फिर किस तरह कोई पेशेंट जिएगा और बचेगा। ऐसा कभी दोबारा कोई गलती ना हो, जो जो इसके जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त जी। उसकी मौत ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण। कल अपने बेटी को ले गए हम देवरिया 9 तारीख को, वहाँ से 10 तारीख को हम चले गए लेकर गोरखपुर। गोरखपुर में वो भर्ती थी, स्थिति सुधर रही थी उसकी। उसके बाद फिर 11 तारीख को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मेरी बेटी को वहाँ पर मौत हो गई। मेरी बेटी नहीं, वहाँ पर जितने लोग थे सबकी धीरे धीरे सबकी मौत होने लगी। और उसके बाद हम लोग पता चला कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। इंसेफ्लाइटिस की मरीज थी, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।